नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दोस्तों सावधान हो जाइए, अगर आपके आसपास में गली मोहल्ले में कोई नाबालिग बच्चा अगर शातिरों की तरह घूमता नजर आता है तो वो चोर हो सकता है। आप उस बच्चे की निगरानी जरूर करें क्योंकि आजकल आपराधिक जगत में बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर बच्चा नाबालिग है तो उसे सजा भी नहीं मिलती। इसी का फायदा उठा करके चोर गुरह बच्चों को शामिल कर रहे हैं अपने गृह में। उनको न केवल शातिर बना रहे हैं बल्कि उनको बड़ी ट्रेनिंग भी देते हैं। वे अपने आसपास के माहौल में इस तरह से घुल मिल जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके खुद के हाथों से कब सामान गायब हो गया। ऐसा ही वाकया सिरसा के आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय हो चुका है। रोज आए दिन इस तरह के मामले दर्ज हो रहे हैं। इन्हीं में से एक है 31 अगस्त को सिरसा जिला से मात्र 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है राजस्थान के संगरिया कस्बा। यहाँ से दो लड़कों ने जो कि नाबालिग थे एक कार से 14,40,000 रुपये की राशि ले उड़े और ये राशि जब उन्होंने उड़ाई तो आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि उनका तरीका क्या था। पैसे लेकर आने वाले मुनीम और एक और व्यक्ति जो गाड़ी का ड्राइवर था उसकी निगाह गाड़ी पर ही बनी हुई थी, लेकिन जैसे ही थोड़ी चूक हुई वह बच्चे भी भांप गए कि उन्हें कब और क्या करना था। उन्हें समझते देर नहीं लगी और उन्होंने पैसों से भरा हुआ गेट थैला गाड़ी से उड़ा लिया। आसपास में काफ़ी लोग भी थे लेकिन सबकी निगाह से बचाते हुए वे लोग पैसे उड़ा ले गए और बड़े ही आराम से लोगों के बीच से निकल गए, लेकिन किसी की भी निगाह उन पर नहीं पड़ी। जो आप इस वीडियो में स्वयं देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस पैसों से भरे हुए बैग को उड़ा लिया। जब तक कुछ लोग समझ पाते उससे पहले ही ये दोनों नाबालिग लड़के वारदात को अंजाम दे चुके थे, जिसके बाद पुलिस तफ्तीश में जुटी है। CCTV कैमरे में बाकायदा प्रूफ के साथ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि किस तरह से वे बच्चे पैसे उड़ा रहे हैं। पुलिस ने उनकी CCTV फुटेज भी जारी कर दी है। ये मामला कोई एक नहीं है, कई बार इस तरह की घटनाएँ घट चुकी हैं। इससे साफ जाहिर है कि इस ग्रुप के सरगना किस तरह से नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। और देखें पल पल की विशेष रिपोर्ट।